शिवरात्रि पर बिलावली शिव मंदिर पर लगी भक्तों की भीड़। देवास से ये खबर। बिलावली शिव मंदिर पर लगी दर्शनार्थियों की भीड़। बताया जाता है बिलावली मंदिर पर भगवान शिव की मूर्ति हर वर्ष शिवरात्रि पर तिल बराबर बड़ी होती है। लोगों ने बताया कि हर मनोकामना पूर्ण होती है। दूर दूर से लोग दर्शन करने पहुंच रहे हैं। शिवरात्रि पर बिलावली मंदिर पर एक दिन का मेला लगा है एवं रास्ते में श्रद्धालु भक्तों के लिए जगह जगह भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। वहीं मंदिरों में भक्तों को दर्शन करने में असुविधा ना हो इसलिए भारी संख्या में पुलिस जाप्ता मौजूद है। देवास से गौरव व्यास की खास रिपोर्ट। महाकालेश्वर राजा के दरबार में किस तरह के सभी श्रद्धालुओं का श्री महाकालेश्वर मंदिर महाशिवरात्रि के पर्व पर वरिष्ठ अधिकारी में व्यापक स्तर पे हमारे द्वारा व्यवस्था लगाई है। इसमें पार्किंग व्यवस्था और जो दर्शन के लिए बैरिकेडिंग हमारे द्वारा की गई है, सुरक्षा व्यवस्था के सारे इंतजाम व्यवस्था को बनाए रखे। भगवान महाकालेश्वर राजा के दरबार में आए इन चार थानों से श्रद्धालुओं का 60 लोगों की व्यवस्था एक शिफ्ट में लगाई गई है। तीन शिफ्टें देवस्थान मंदिर में लगाई गई है। आप सभी का ये बिलावली महाकालेश्वर के नाम से मंदिर है और उज्जैन के ही स्वरूप है भगवान महाकाल के। हमारे पूर्वजों द्वारा भगवान महाकाल की तपस्या की गई थी, नित्य दर्शन करने जाते थे। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान ने आशीर्वाद दिया और उनके साथ भगवान महाकाल में आए हैं। आज महाशिवरात्रि का महापर्व है। आज सिर्फ दर्शन मात्र से ही भगवान मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। आप देख रहे हैं भारी संख्या में लोग दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए आए हैं, अर्चना करने के लिए आए हैं और आज महाशिवरात्रि का महापर्व। क्या कुछ विशेषता है बिलावली? विशेषता ये है कि ये स्वयंभू है तो भक्ति की भक्ति से प्रसन्न होकर के भगवान जो है आए हैं और प्रतिवर्ष तिल बराबरी है, प्रतिभा जो है बढ़ती है। प्रतिवर्ष हर शिवरात्रि पे तिल बराबर बढ़ती है। किस तरह से पूजा करते हैं? ये उज्जैन के ही तर्ज पे, उज्जैन के जो महाकाल भगवान उनके तर्ज पे पूजन की जाती है। शिव नवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है, जैसे महाकाल मनाया जाता है। 9 दिन तक भगवान को हल्दी से स्नान कराया जाता है, उपकर बना करके स्नान, भगवान का अनेक अनेक द्रव्यों से स्नान, फिर ब्राह्मण द्वारा जो है रुद्राभिषेक किया जाता है। शाम के समय भगवान को जो है दूल्हे के रूप में भगवान का पति नहीं श्रृंगार होता है। आज रात को 12 बजे बाद भगवान का महारुद्र अभिषेक होगा। उसके बाद में भगवान को जो महाकाल में सेहरा चढ़ता है दूल्हे को, उसी प्रकार से एक सेहरा का श्रृंगार भगवान का यहाँ पर किया जाता है। आपका परिचय? मेरा पंडित कपिल शर्मा। कौन सा मंदिर? बिलावली महाकालेश्वर महादेव मंदिर है। ये मंदिर लगभग 100 साल पुराना है जहाँ तक मुझे याद है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि हर साल मूर्ति बढ़ती रहती है। हर साल मैं भी देखता आया हूँ तो मूर्ति का जो कार्य पहले छोटा था, आज बड़ा हो गया। लोग जो भी मान्यता यहाँ तो कहते हैं वो पूर्ण होती है। और आज हम भी सोच के आए कि आज हमारा साल अच्छा जाए और जो भी हमने मन में सोचा वो हमारी। आज महाशिवरात्रि का पर्व है और कैसा लग रहा है यहाँ पे? यहाँ मंदिर के आसपास आप भीड़ देखकर समझ ही सकते हैं कि यहाँ कितना आस्था का माहौल है। हम लोग, मेरी शादी को 18 वर्ष हुए, हम लोग 18 वर्ष से यहाँ आते हैं। बिलावली महादेव की मान्यता है कि हर प्रतिवर्ष तिल तिल बढ़ते हैं। लोग आस्था से सराबोर हैं और सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। हमारी फैमिली से इंदौर से भी लोग चाचू आते हैं और हम लोग हर साल यहाँ पर पूरी फैमिली के साथ दर्शन करते हैं। क्या कभी ऐसा लगा है?